क्लास 10th एनसीईआरटी आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, और मैंने आपको सवाल करने को दिया था x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना था आपको, ठीक है। शायद आपने कर लिया होगा, नया ना आया हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए सातवां जो एग्जाम्पल है वो आपसे कह रहा है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। देखिए किसको किससे भाग देना है, तो px क्या हो जाएगा हमारे पास 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा px। और qx क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता होगा px और qx क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। मानक रूप का मतलब होता है पावर से, जैसे यहाँ देखिए पावर घट रही है, ठीक है। बहुपद में पावर घटती है जो व्यापक बहुपद होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 3, ये 2, ये 1, मतलब यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 0 हो गई, कैसे 0 हो गई आपको पता होगा, एक्स की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो हम यहाँ लिख नहीं सकते एक्स की पावर 0। देखिए 3 2 1 0, यहाँ देखिए 2 1 और यहाँ 0, तो ये उल्टा लग रहा है आपको, थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है, इसको हम ये नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जैसे हम गुणनखंड में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसे मानक रूप में लिख लेते हैं, इसके बाद हम उस सवाल को करते हैं जिससे वो सवाल आसान हो जाता है। तो हमें यही करना है, हमें अब भाग देना है इसे, देखते हैं कैसे देंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जैसे हम लोग जो करते थे उसी को दोहराएंगे, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये लिख दिया हमने। अब देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एक पद था जिसमें x की पावर 1 थी, अब यहाँ क्या है द्विघात बहुपद, ठीक है। एक घात बहुपद मैंने आपको बता दिया था, अब ये क्या है द्विघात बहुपद का, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की पावर है एक्स क्यूब की लानी है, ठीक, और साथ में क्या है 3, तो हम अगर 3x से एक्स स्क्वायर का गुणा कराएं कितना आया 3x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ 3x लिख सकते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा 3x क्यूब, इसका हम इसमें गुणा करा रहे हैं 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 3x, ठीक। अब हम चिन्ह बदल देंगे इसके, देखिए अगर हम चिन्ह इसके बदलें तो क्या हमारे पास आ जाता है, ये इससे कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा माइनस x, ठीक है। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस x हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कराएंगे माइनस 5x से, अगर हम माइनस 5 से अगर हम इसका गुणा कराएंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर अगर हम x स्क्वायर का गुणा करा दें माइनस 5 में, तो यहाँ माइनस 5 लिख देंगे क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये 5 बचा था इसको हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक। अब ये देखिए माइनस 5 का अगर हम 2x में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10x और माइनस 5, चिन्ह हम बदल देंगे, देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये देखिए ये इससे कट गया, और यहाँ देखिए ये 10 प्लस के थे और ये 9, मतलब माइनस एक्स और प्लस 10x करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, और यहाँ देखिए 9x मतलब, और यहाँ देखिए 5 5 10 हो गया प्लस 10, ये देखिए ये हमारे पास आ गया शेषफल, ठीक। अब देखिए अब हम इसके आगे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ रखें मान, यहाँ देखिए यहाँ 1 रखें, ठीक, तो क्या पहले एक्स स्क्वायर की आएगी घात, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई है ही नहीं, पद कोई है ही नहीं, तो इसके आगे क्या नहीं हो सकता है सॉल्व, ठीक है। तो हमें यहीं तक करना था। अब देखिए हमारे पास जो है भागफल क्या आ गया हमारे पास 3x माइनस 5 हमारे पास क्या है भागफल, ठीक, और शेषफल क्या है हमारे पास 9x प्लस 10। अब देखिए इसको हमने px की ओर माना था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे gx, इसको हम क्या लिखेंगे gx, और हम क्या इसको क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे rx,
आर का मतलब रिमाइंडर, एक्स मतलब एक्स के पद में, एक्स के चर में है, ठीक। तो पी एक्स क्या है, भाज्य, और भाजक क्या है हमारा, क्यू एक्स, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं कि पी एक्स मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल क्या है, जी एक्स प्लस शेषफल क्या है हमारे पास, आर एक्स, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये जो निष्कर्ष हमारे पास आया है, ये जो निष्कर्ष हमारे पास आया है, इसी को हम कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये आपका सवाल तो यहीं तक था, आपको बस यहाँ तक करना है और ये दिखा देना है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, या पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स का मान रख दीजिए, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा।